इस साइड से अगर हम कट कर देंगे ना तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर कट जाएगी रिबन पे। और यहाँ पे एक आपको एक टाइनियस सा कैमरा दिख रहा होगा, और उस फोन को ओपन करते हैं, देखते हैं और क्या क्या कहानी मिलती है इसमें। इसमें VGMI आप खोल लोगे, VGMI चल भी जाएगा। अब कैसा चलेगा वो बता देता हूँ। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। एक नया फोन आया है, और जब भी कोई फोन ऐसा होता है ना कि जिसमें कुछ ना कुछ अलग किया जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें डीप टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। अब देखिए इस फोन में अलग क्या किया गया है कि ये कायदे से देखा जाए तो 6-7 हज़ार को आपको मिल जाता है, 6 हज़ार तक आपको मिल जाएगा आसानी से अगर आप 400-500 रुपये बैंक ऑफर लगा देते हैं। अब 6 हज़ार रुपये में आपको क्या क्या दिया गया है, ऑफकोर्स बॉक्स में क्या मिलता है, फ़ोन इट सेल्फ कैसा है, फ़ोन के इनसाइड में क्या क्या दिया गया, ऐसा तो नहीं कुछ रद्दी भर दी गई हो, ऐसा कुछ बोला गया हो कि फ़ोन बड़ा ही सॉलिड, अंदर से सॉलिड से आता है, फ़ोन कितना ड्यूरेबल है वो भी हम टेस्ट करेंगे, ऑफकोर्स काइंड ऑफ मिनी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, यू नो, जस्ट टू सी। और ये फोन है गाइस इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD, नाम हाई डेफिनेशन है, क्या ये काम हाई डेफिनेशन करता है कि नहीं करता है, चलिए फाइंड आउट करते हैं फटाफट। बॉक्स दिखने में जरा सा भी नहीं लग रहा है कि एकदम सस्ता वाला फ़ोन दिया गया हो, ठीक ठाक बॉक्स फील हो रहा है। इनसाइड बॉक्स के जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही मैजिक वाली चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एक हाई एंड सॉलिड TPU केस मिलता है। TPU एक्चुअली हार्ड प्लास्टिक केस है, थोड़ा फ्लमसी है, लेकिन एक्चुअली बॉक्स में दिया तो गया है। और फ़ोन फिट करने के बाद ऑफकोर्स आपको बेसिक ड्रॉप से तो ये बचा ही देगा, सो यानी कि यहाँ पे भी अच्छी चीज़ दी गई है। एंड व्हाट एल्स इनसाइड, ऑफकोर्स यहाँ पे आपको एक चार्जर भी मिल रहा है 10 वॉट 6 हज़ार में, ये भी जस्टिफाई करता है, 10 वोल्ट सॉरी नॉट दी वॉट। ऑफकोर्स यहाँ पे USB टाइप ए टू टाइप सी मिल रहा है, रिमेंबर एक साल पहले की बात है जब माइक्रो USB मिलते थे इस प्राइस रेंज में, ये भी अच्छी बात है। एंड ऑन दी बोनस आपको फ़ोन में एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिलता है, यानी कि बेसिक स्क्रेचेस के लिए ये फ़ोन भी परफेक्ट है। देखा आपने, 1,60,000 के फ़ोन में जस्ट केबल मिलती है, यहाँ पे केबल के साथ चार्जर भी, टेम्पर ग्लास भी, एंड केस में सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो 6,000 के हिसाब से जो आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। अब मैं आपको उस फ़ोन के फीचर बता देता हूँ, देखिए फ़ीचर कैसे हैं। वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा आपको ये आईफोन के डिज़ाइन से इंस्पायर लग रहा होगा, चाहे 14 सीरीज चाहे 15 सीरीज, आई मीन प्रो मैक्स की बात कर रहे हैं, उनसे इंस्पायर लगेगा। एट फर्स्ट ग्लांस गाइस डेफिनेटली फ़ोन दिखने में एकदम चीप नहीं फील हो रहा है, लाइक जो फिनिशिंग है वो मैट फिनिशिंग में है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये ग्रेडियंट टच यहाँ पे दिया गया, जैसे इस पर सनलाइट पड़ती है या आप डिफरेंट लाइट एंगल में करते हैं तो ये कलर चेंज करता रहता है। बहुत सारे लेंस लिए गए हैं, मैंने ज़्यादा देखा नहीं क्या क्या है, मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए आपको मैं दिखाता हूँ। कमाल की चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक मैजिक रिंग दिया गया है, मैजिक रिंग क्या है, वो 4 LED फ्लैश है जो रात में ग्लो करती है ना जब आप पीछे से फ़ोटोज़ लेते हैं तो थोड़ी सी अच्छी लगती है। वीवो के फ़ोन आपने देखा था, IQ में देखा था, उन सब में वो रिंग टाइप की, यहाँ पे रिंग नहीं है, क्योंकि सस्ता फ़ोन है ना तो इसलिए 4-5 LED लगा के उसको मैजिक रिंग बोल दिया गया। कूल, एक छोटा सा सुपर AI कैमरा जो 2050 में काम करेगा, अभी काम नहीं करता है, क्या काम करता है पता नहीं। हेडफोन जैक टाइप सी, बॉटम में स्पीकर है, ऑफ कोर्स कोई भी ड्यूल स्पीकर्स नहीं मिलेगा, लेकिन बिग पैड के यहाँ पे आप 2 4G सिम कार्ड साथ साथ एक SD कार्ड भी लगा सकते हैं, यानी कि भरपूर जुगाड़ दिया गया। अगर आप म्यूजिक सुनने के लिए फ़ोन लेते हैं तो सारा काम इसमें हो जाता है। अनलॉकिंग के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, क्लिक खुल जा रहा है, ये भी बहुत ही फास्ट है, ऐसा नहीं लग रहा है कि सुपर चीप फील हो रहा है, यहाँ पे भी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त फील हो रही है। अरे इस फ़ोन में एक कूल इम्प्लीमेंटेशन ये भी दिया गया, जैसे आपने एप्पल के डायनेमिक आइलैंड में देखा था ना, वही चीज़ यहाँ भी दी गई, जैसे कि फ़ोन चार्ज करते हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन दिखाई पड़ेगा, बैटरी लो हो गई तो दिखाई पड़ेगा, स्पेशली फेस अनलॉक में भी वो दिखता है। एंड बेस्ट पार्ट की अगर आप जैसे फ़ोन पर बात कर रहे हैं और ड्यूरिंग कॉल अगर आप उस एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ कर देना तो आपको वहाँ पर एग्जैक्टली टाइम चलता नज़र आता, तो ये भी बजट फ़ोन के हिसाब से काफ़ी इनोवेटिव फीचर यहाँ पर ऐड कर देगी। इवन तो रियल मी हमने देखा था पहले भी, ये C53 में आए गए, बट ये सेकेंड फ़ोन है जिसमें ये वाली फीचर दी गई है। तो सो फॉर प्राइस के हिसाब से मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि लाइक कुछ कॉम्प्रोमाइज़ सा दिखाई पड़ रहा हो, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, तमाम तरह की चीज़ नहीं दी, सब कुछ दिया गया। अब इनसाइड चलते हैं, आपको और कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे 5G बढ़ रहा है तो 4G बहुत चीप होता जा रहा है, 4G चिपसेट बहुत चीप होते जा रहे हैं, तो डिस्प्ले आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है। अभी मैंने इसको फुल ब्राइटनेस पर रखा है, यहाँ पे आपको HD+ डिस्प्ले मिलता है, HD+ नॉट दी फुल HD, लेकिन सेंटर पंच होल मिलता है, कोई भी इन्फिनिटी UV या ड्यूल ड्रॉप डिज़ाइन नहीं दिया गया है। राइट लेफ्ट के बेजल्स ठीक ठाक हैं, बॉटम में आपको ऑफकोर्स थोड़े से तो मिलेंगे, ये सब कंपनी कुछ खाएगी भी, सैलरी भी देगी, कमाएगी भी,
बेचेगी भी तो सब कुछ आपको नहीं दे सकती ना। और इनसाइड चलते हैं गाइस, सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में क्या क्या कहानी दी गई है। सस्ते फ़ोन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि बहुत सारे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दिए जाते हैं ताकि कंपनी थोड़ा पैसे बना सके। रिमेंबर इन्फिनिक्स का लास्ट फ़ोन जो हमने ट्राई किया था, आई बिलीव GT सीरीज़ को ही था, उसमें प्लोटवेयर्स बहुत ही कम थे। यहाँ पे एडिशनल्स की बात करें, देखो ऑफकोर्स जो पाम स्टोर है वो दिया गया है, जो इन्फिनिक्स का खुद का स्टोर होता है जो आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे देता रहता है। प्लस कुछ थोड़े मोड़े हैं जैसे कि विशा प्लेयर, वाओ FM, एक्स क्लब, कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे ऑफकोर्स कम हो गए हैं। अभी दो चार बचे हुए हैं जैसे कि AHA गेम्स, वो सारी चीज़ें मे बी फ्यूचर में वो हट सकती हैं। एंड्रॉयड 13 से ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स है। ऑफकोर्स कंपनी आपको जैसे एक साल का अपडेट प्रोवाइड करेगी, आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। एंड ये फ़ोन आपको 3GB रैम से मिलता है, 3GB आप वर्चुअल रैम उसमें कर सकते हैं, 64GB इंटरनल है, प्लस आप यहाँ पे कार्ड ऑफकोर्स लगा सकते हैं। तो एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से देखो, मैंने इस फ़ोन को काफ़ी यूज़ किया, 4-5 दिन से मैं चला रहा हूँ, प्लस गेमिंग भी इसमें टेस्ट किया। कैसी परफॉर्मेंस है देखो, वैसे ये फ़ोन चल जाएगा। दाम के हिसाब से आप जो भी काम करेंगे ना, कॉल करना, उठाना वो चलेगा। थोड़ी मोड़ी लैग कभी कभी आ जाती है, 4-5 एप्लीकेशन चल रहे हो तो फोन हल्का सा लैग फील कर जाता है, वो तो ऑफकोर्स एक्सपेक्टेड ही है। गेमिंग में क्या है देखो, इसमें VGMI आप खोल लोगे, VGMI चल भी जाएगा। अब कैसा चलेगा वो बता देता हूँ, लैग आपको भरपूर मिलेगा, बिकॉज 3GB में आप क्या एक्सपेक्ट कर लोगे, आप चाहे जितनी भी लो सेटिंग में आप गेमिंग कर लोगे ना, थोड़ा मोड़ा लैग आपको ऑफकोर्स मिलेगा ही मिलेगा। अब स्पीकर भी इसमें बस वैसे ही तैसे दिए गए जैसे हो सकते हैं। अगर आप इंग्लिश गाने सुनेंगे तो शायद आप समझ भी ना पाएं, हेडफोन आपको लगा के थोड़ा सा कायदे से घुसेड़ के सुनना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि बहुत ही एवरेज मिनिमल स्पीकर दिए गए हैं। ज़्यादा फुल पे कर लेंगे ना तो वो चुभने वाली आवाज़ होती है ना, बहुत शार्प वोकल्स आने लगते हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत बेकार हो जाता है। ओके, एंड अबाउट दी बैटरी गाइस, बैटरी इसमें बहुत ही अच्छी चलती है। एक बार मैंने फुल चार्ज किया तो ये फ़ोन 3 दिन बड़ी आसानी से चल जाता है, बिकॉज कुछ है ही नहीं खर्च करने को, नेटवर्क सही आता है, कॉलिंग में प्रॉब्लम होती नहीं है, ब्राइटनेस ठीक है, CPU एकदम जस्ट एवरेज वाला होता है, कुछ ऐसा है नहीं। अगर आप बेसिक काम के लिए फ़ोन लेते हैं तो बढ़िया आसानी से चल जाता है। अब एट द लास्ट में आपको कैमरे की बात बता दूँ, कैमरे की क्या सीन है। अब जो कैमरा मैंने इसको टेस्ट किया, देखो मैंने वैसे बहुत सारे रैंडम शॉट्स लिए, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ इसके साथ होता ना गुस्ताखी की कि अच्छे शॉट नहीं लूँगा। हम 1.5 लाख का फ़ोन भी वैसे ही टेस्ट करते हैं जैसे हम सस्ते फ़ोन टेस्ट करते हैं, सब में सेम तरह के साथ। तो फोटोज़ आपने देख ली, अब फोटोज़ का सीन क्या है, फ़ोटो वोटो आप लेंगे तो कलर वलर की एक्यूरेसी स्मूथली नहीं मिलती है, कभी आगे हो जाती कभी पीछे, जैसे आपने देखा अभी मैंने एक फ्रूट की फ़ोटो ली तो वो येलो के बजाय चेंज हो गया, थोड़ा सा वो ग्रे टाइप का बन गया। तो ये वाले वियर्ड सरप्राइजेस ऑफ कोर्स आपको बजट फोन से मिल जाते हैं। तो पॉइंट आप समझिए, कलर क्रेसिस की बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, बाकी ठीक ठाक आप बना सकते हैं। वीडियो इसमें फुल HD मिलता है, ये सरप्राइज तो मुझे लग रहा था कि 720 मिलेगा। सेल्फी में आपको फुल HD मिलता है, वो भी ठीक था। एंड लो लाइट में भी जस्ट ओके परफॉर्मेंस है, सेल्फी फोटोज इसमें ठीक आ रही है, पीछे की डिटेल्स भले उड़ जा रही हो, पॉइंट ये है कि कैशुअल फोटोज आप ले लेंगे, दिखने लायक फोटो आपको आसानी से मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप इस फ़ोन को बाय करें ना बाय करें। देखिए ये डिपेंड करता है गाइस नीड पे। अगर आप ऐसी जॉब में हैं जहां आपके लिए कॉल अटेंड करना ही इंपॉर्टेंट थिंग है, टेक्स्टिंग, व्हाट्सएप करना, चैटिंग करना, आप ऐसे किसी प्रोफाइल में हैं जहां आपको एक फ़ोन चाहिए जो इंटरनेट क्लाउड से कनेक्टेड हो, वो सारा काम ये कर देता है। दिखने में अच्छा है, लाइट वेट है, ऐसा भी नहीं कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बैटरी बढ़िया चलती है, 3 दिन के बैटरी फोन आजकल मिलते नहीं है, ये चला तो वो सारे काम आपके कर देगा। थोड़े से आप प्रो करने में लगेंगे ना तो ये फ़ोन आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकता है, तो आपको उसके लिए मुद्रा बढ़ानी पड़ेगी। आपको 10,000 में आपको 5G मिलेगा, ठीक ठाक डिसेंट फ़ोन चाहिए तो आपको 15-20 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। अब चलिए और चीज़ें बताते हैं, इसका टी डाउन करते हैं, देखते हैं किसके अंदर क्या क्या माल मसाला दिया गया, बाद में उसको हम बेंड बेंड करके ट्राई करेंगे। फर्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स आपको सिम ट्रे बाहर निकालना होता है, बिकॉज ये नहीं निकला ना तो काम नहीं करेगा। थोड़े सा आपको पैनल हीट करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये प्लास्टिक का है ना तो ये उड़ भी जाएगा। इस साइड से अगर हम कट कर देंगे ना तो ये फिंगरप्रिंट सेंसर कट जाएगी रिबन, बिकॉज यहाँ पे ये केबल यहाँ पे है, तो गलती से आप इस साइड स्वाइप मत किया करिए, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ओके,
बैक पैनल बाहर आ गया, बहुत ही फ्लमसी सा है। ऑफ कोर्स गाइस ऐसा होगा भी बिकॉज ये एकदम लो कॉस्ट वाला है। और ये यहाँ पे देखो कैमरा मॉड्यूल अलग से चिपकाया गया था उसका लेंस। और यहाँ पे एक आपको एक टाइनियस्ट सा कैमरा दिख रहा होगा, आई बिलीव ये वीजीए भी नहीं है, पता नहीं कितने मेगापिक्सल का होगा ये, 0.1 0.2, आप लोग कमेंट में बताना कि ये कितने मेगापिक्सल का है। एनीवेज रिंग विंग यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, ये मेन कैमरा सेंसर है। वैसे देखा जाए काफ़ी फ्लैट एंड नीट डिज़ाइन दिख रहा है, जनरली ये सब ना हीट सिंक नहीं लगे होते सस्ते फ़ोन में, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और उस फ़ोन को ओपन करते हैं, देखते हैं और क्या क्या कहानी मिलती है इसमें। स्क्रूज़ भी यहाँ पे दो डिफरेंट कलर के लगाए गए हैं, जैसे कि ब्लैक है और ये स्टेनलेस स्टील का। ये यहाँ पे छोटी सी आप देख सकते हैं ये वारंटी स्टिकर लगा हुआ है। स्क्रूज तो कई सारे निकल गए। ऑल्सो आपने बेस्ट पार्ट देखा, यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई ना उसमें लिखा हुआ मेड इन इंडिया, एंड जो उसका मैन्युफैक्चरर लिखा है वो फेंग हुआ न्यू एनर्जी, लेकिन ये थोड़ी चाइनीज टाइप की फील हो रही है, मुझे पता नहीं क्या होता है। ये आई ग्रेफाइट शीट जो थोड़ा सा ना सिस्टम को कूल करने के लिए ऐसे डिज़ाइन किया है, ग्रेफाइट सस्ते में बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब इस फोन ने जुगाड़ किया है कि ये फ्रेम अलग से लगाया गया, तो आपको ये डिस्प्ले पहले ऐसे यहाँ से लूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे ढेर सारे लॉक्स लगे होते हैं संभाल के, बिकॉज यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट की केबल है यह भी यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये इसको डैमेज कर सकती है, तो ये केयरफुल निकालना पड़ेगा। और आप ऐसा कर सकते हैं ना कि ये जो फिंगरप्रिंट की केबल है इसको यहाँ से आप ऐसे निकाल दें, अब आप कायदे से इसको से निकाल सकते हैं। ये आ गया बाहर छोटा सा ये, ओह और ये रिंग को आप देख सकते हो कि चार लाइट के लिए यहाँ पे प्लस सिंबल बना है, बिकॉज चार LEDs हैं तो चार डिफरेंट यहाँ पे ऐसे लगाए गए पिवट्स जिससे जुड़ जाता है। तो ये टिपिकल डिज़ाइन है जो रियलमी का भी है, ओप्पो का भी है, एंड इन्फिनिक्स में भी ऐसा ही चल रहा है। एनीवेज और यहाँ पे भी देख सकते हैं कोई कमजोरी नहीं दी गई, आई मीन कोई कंजूसी नहीं की गई है, प्रॉपर यहाँ पे कॉपर की शीट दिखाई पड़ रही है जिससे थोड़ा सा बेटर हो सकता है। ये बैटरी का है, सबसे पहले आपको बैटरी डिस्कनेक्ट करना चाहिए। ये गई बैटरी एंड ये गया डिस्प्ले। तो बहुत ज़्यादा तो हम टीडाउन नहीं करते हैं, लेकिन बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि फ़ोन वैसे अंदर से ठीक ठाक बना है। ये छोटा सा कैमरा एक्चुअली ये रियल कैमरा है, मैं हमेशा कहता था ना कि काम करता नहीं काम करता है, एक्चुअली में ये है और ये फिजिकली कनेक्टेड भी है। वाटर प्रोटेक्शन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर गैस्केट लगे हुए हैं स्पीकर के अराउंड भी, और ये जो माइक है वहाँ के अराउंड भी, प्लस हेडफोन जैक के अराउंड भी, यानी कि थोड़ा मोड़ा अगर ये फ़ोन लिक्विड में आ जाता है तो ऐसे दिक्कत होगी नहीं। प्लस यहाँ पे भी हल्का सा ऐसे रबर लगा हुआ है जो थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे ही रहा है। ओके सो फिलहाल इस टेस्ट में भी ये पास करता है, इंटरनल में भी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि जैसे कि कंप्रोमाइज़ किए गए हों, ये ना लगा हो या ये कैमरा डेड था कि नहीं था, वो सारी चीज़ यहाँ पे ठीक ठाक है। फटाफट फ़ोन को हम सील करते हैं और टर्न ऑन करने की कोशिश करते हैं, और अगर फ़ोन प्रॉपरली ऑन हो गया देन हम इसको बेंड करने की कोशिश करेंगे कि इवेंचुअली फ़ोन बेंड टेस्ट में पास होता है कि नहीं होता है। ये दोबारा हीट गन इसलिए चलाते हैं बिकॉज से ग्लू होता है ना, वो दोबारा फिर से यहाँ पे फिक्स हो जाता है एंड फोन टर्न ऑन हो जाता है। कूल इन्फिनिक्स। अब लास्ट में बारी आती है गाइस, क्या फोन स्ट्रक्चरली सॉलिड है कि नहीं, वैसा इनसाइड से तो लग रहा था। लेट्स ट्राई टू बेंड दिस इन 3, 2, 1, क्या होता है। ऑफकोर्स फोन में फ्लेक्स तो काफ़ी आ रहा है, बट ये चूंकि सुपर प्लास्टिक वाला फ़ोन है ना, तो एक्चुअली मैं यहाँ वैसे कुछ मेजर प्रॉब्लम लग नहीं रही कि लाइक आधा हो गया। हाँ ये देखो बैक पैनल खुल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप एक्सट्रीम बेंड कर देंगे इस फ़ोन को, बट सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा बेंड करने के बाद भी फ़ोन में ऐसा कोई मेजर नहीं हो रहा, जैसे कि हमने रिसेंटली वीवो में देखा था कि इतने में लगाती वो आधा हो गया था। सो सुपर बजट के हिसाब से क्वालिटी भी इसमें ठीक ठाक है, ऐसा कोई गाइस मेजर कंप्रोमाइज़ लग नहीं रहा है। ये तो रहा गाइस मेरा एक sort of different unboxing, first impression, review, tear down, durability, everything in just single video. See you soon.